दोस्तों आज मैंने अमेजन से बिल्कुल बजट में आने वाला नया ट्राइपॉड मंगाया है जो कि पोर्टेबल ट्राइपॉड है। इस ट्राइपॉड को आप कहीं भी ले आ सकते हैं, जैसे कि कहीं आप पिकनिक वगैरह जाते हैं वहाँ पे वीडियो शूट करने के काम आएगा। तो चलिए इस ट्राइपॉड का अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह है ओसाका कंपनी का ओयस 550 लाइट वेट ट्राइपॉड। इस बॉक्स के ऊपर ही इसका कुछ स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। इस ट्राइपॉड की मैक्सिमम हाइट है 1365 mm, मिनिमम हाइट है 415 mm और फोल्ड करने के बाद इसकी हाइट हो जाती है 425 mm। इस ट्राइपॉड का कुल वज़न है 580 ग्राम। ये ट्राइपॉड मैक्सिमम लोड उठा सकता है 5 kg तक, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपका मोबाइल हो या फिर कैमरा कोई भी 5 kg का नहीं होता है। इस ट्राइपॉड के साथ में मोबाइल होल्डर भी मिलता है, जिससे कि आप अपने स्मार्टफोन को इस ट्राइपॉड में बहुत ही अच्छे प्रकार से होल्ड कर सकते हैं। इस ट्राइपॉड पे अपने स्मार्टफोन को एक्शन कैमरा, कैमरा तथा आईपैड, इन चारों आइटम को आप इस ट्राइपॉड पे लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम इस बॉक्स को खोल लेते हैं। देखिए इस ट्राइपॉड में आपको एक कैरी बैग मिल जाता है, जिससे कि आप इस ट्राइपॉड को इस कैरी बैग में डालकर कहीं भी ले आ सकते हैं। यह है मोबाइल होल्डर। इस मोबाइल होल्डर को आप दो तरह से लगा सकते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे दिया है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे है। मोबाइल को लगाने के लिए इस तरह से आपको खींच के लगाना पड़ेगा और इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इसमें आप अपने स्मार्टफोन को लगा देंगे तो आपका स्मार्टफोन कहीं गिरेगा नहीं, इसका ग्रिप बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे इसका ब्रांडिंग दिया हुआ है ओसाका ओएस 550। इस ट्राइपॉड को खोलने के लिए इस तरीके से देखिए खुलेगा। देखिए थोड़ा सा ऊपर से दिखाता हूँ मैं। जब आप इस ट्राइपॉड पे अपने स्मार्टफोन या कैमरे को लगा देंगे तो इस हैंडल के जरिए मोबाइल या फिर कैमरे के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं और रिकॉर्डिंग बहुत ही स्मूथ रहेगी, बिल्कुल आपका कैमरा हिलेगा नहीं। अपने मोबाइल या कैमरे को दाएं बाएं या ऊपर नीचे कैसे भी घुमा सकते हैं। ये हैंडल यहाँ से खुल भी जाता है। देखिए ये हैंडल इस तरह से पूरा निकल जाता है। आप चाहें तो यहाँ से इसे खींच कर इसे बाहर निकाल सकते हैं। ये जो ऊपर नीचे हो रहा है, आप चाहें तो इसे टाइट या फिर लूज भी कर सकते हैं। जब आप इस हैंडल को थोड़ा सा टाइट कर देंगे तो ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा, देखिए घूम नहीं रहा है, तो थोड़ा सा लूज करना पड़ेगा इस तरीके से। उसी तरह से ये जो बाएं दाएं घूम रहा है, इसे टाइट करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है स्क्रू, देखिए इसे इस तरह से घुमाने से ये टाइट हो जाता है। ये देखिए टाइट हो गया, अब देखिए नहीं घूम रहा है। और ये है मोबाइल या फिर कैमरे के लिए होल्डर, ये भी ऊपर नीचे होता है तो इसे टाइट करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ये है, ये इस तरह से ऊपर नीचे हो जाता है। जितने पे आपको कैमरा रखना है उतना पे इसे करके और इस तरीके से आप टाइट कर देंगे तो वापस ये घूमेगा नहीं कहीं, देखिए इस तरह से टाइट हो जाएगा। और यहाँ जो मोबाइल होल्डर दिया हुआ है ये भी निकल जाता है। इस लॉक को इस तरह से घुमाकर इसे आप निकालेंगे तो देखिए ऐसे निकल गया, ये देखिए ये अलग हो गया। अब इस मोबाइल होल्डर को आप इसमें इस तरह से फिट कर सकते हैं। अब इसे हम इस ट्राइपॉड पे लगा देंगे, देखिए इस तरह से लगाकर और इधर हम दबा देंगे, ये देखिए फिक्स हो गया। चलिए इसमें हम एक मोबाइल लगा लेते हैं। पहले हम इस ऊपर वाले हिस्से को ऊपर खींचेंगे और अपने स्मार्टफोन को इस तरह से लगा देंगे। अब आप अपने स्मार्टफोन को दाएं बाएं
या ऊपर नीचे कैसे भी घुमा सकते हैं। ये तो हो गई बात ऊपर वाले फंक्शन के बारे में। इस टाइपबोर्ड को आप यहाँ नीचे से बड़ा भी कर सकते हैं। बड़ा करने के लिए यहाँ देखिए लॉक दिया हुआ है, ये देखिए लॉक को इस तरह से खोलेंगे, इसे बाहर निकालने के बाद इसे हम यहाँ से लॉक कर देंगे, उसके बाद इसे खोलकर यहाँ से लॉक कर देंगे। और भी बड़ा करना है तो यहाँ से खोलकर इसे यहाँ से लॉक कर देंगे। उसी तरह से सबको हम खोल लेते हैं। तो देखिए ये इस तरह से इतना बड़ा हो जाएगा। इसके अलावा ये बीच वाला हिस्सा भी देखिए बढ़ जाता है। अब देखिए इस ट्राइपॉड की हाइट देख सकते हैं कितना बड़ा हो गया, ये लगभग 5 फीट का हो जाता है। इस ट्राइपॉड में दो मटेरियल का यूज किया गया है, यह है फाइबर, देखिए ये फाइबर है, और यह है मेटेलिक जो कि एल्युमिनियम का है। ये एल्युमिनियम का है, ये ऊपर वाला हिस्सा पूरा फाइबर है, ये बीच में फाइबर है, ये एल्युमिनियम है, इसके जितने भी लेग हैं ये एल्युमिनियम के हैं, ये बीच वाला भी फाइबर का है। लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यदि आप इस ट्राइपॉड को परचेज करना चाहते हैं तो इस ट्राइपॉड को ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मैं अपने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके इस ट्राइपॉड को परचेज कर सकते हैं। और इस ट्राइपॉड का प्राइस है 899। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।